यदि वो तीनों ये समझते हैं कि उनके बिना मैं अकेला हूँ, तो ये उनकी त्रुटि है। मैं अकेला ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाऊंगा और अपने काल का अंत मैं ही करूंगा। मैंने तुम्हें सचेत किया था, लेकिन तुम महादेव की भक्ति में इस तरह लीन थे कि यह सत्य तुमको समझ नहीं आ रहा था। यदि तुम्हें इस तथ्य का ज्ञान हो चुका है, तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने पिता का प्रतिशोध पूर्ण करना होगा। अवश्य आचार्य, अब पूरे ब्रह्मांड पर असुरों का राज्य होगा। इस सृष्टि को मैं शीघ्र ही देव विहीन कर दूंगा, क्योंकि प्रत्येक देवता के अंत के साथ मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी। मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। तारकासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया है, अब उसका अगला लक्ष्य ब्रह्मलोक को अधिकार में करना है। मेरे वरदान का अंत अब केवल शिव पार्वती पुत्र कार्तिकेय ही कर सकते हैं। कैलाश पर्वत के साथ साथ अब देवों का अभिमान भी मेरी असुर सेना खंड खंड कर देगी। इंद्रदेव, ये क्या हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि तारकासुर के चारों ओर एक अदृश्य आवरण है और उस आवरण को भेद पाना असंभव है। तुम कुछ नहीं कर सकते कार्तिकेय। इस सृष्टि के पंचभूतों को मेरा प्रणाम। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु, आप सब मिलकर मेरी समस्या का समाधान करें। सृष्टि की रक्षा के लिए तारकासुर के इस आवरण को नष्ट करना अनिवार्य है। मेरी सहायता कीजिए। मेरे आवरण को नष्ट किया है कार्तिकेय, तुम मुझ पर प्रहार करो, उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा।
क्या पिताश्री का वध हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें सचेत किया था, लेकिन तुम महादेव की भक्ति में इस तरह लीन थे कि यह सत्य तुमको समझ नहीं आ रहा था। अब तो तुम्हारे नेत्र खुल गए। क्या किया तुम लोगों ने धर्म करके? बचा पाए अपने पिता को मृत्यु से? तुम यहाँ शिव की उपासना कर रहे थे और वहां उसका पुत्र कार्तिकेय तुम्हारे पिता का वध कर दिया। जो अपने भक्तों की भावनाओं को ना समझे वो कैसा आराध्य है? महादेव कुछ करें, उससे पूर्व ही उसका संहार कर दो। महादेव का संहार? मैं समझ गया, तुम मेरा साथ नहीं दोगे। तुमसे आशा करने से तो अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। तुम्हारे लिए मेरे प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। ताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इस अग्निकुंड में स्वयं को समर्पित कर दूंगा। रुक जाइए ताश्री, अब और एक मृत्यु नहीं, हम सब आपके साथ हैं। जी ताश्री, हम आपका अनुसरण करेंगे। विद्युन्मालिकी दिया है, इससे हमें क्या मिलेगा? धाव, विश्व करवट ले रहा है, थोड़ी पीड़ा तो होगी, किंतु पृथ्वी के कल्याण के लिए यही उचित होगा। धाव, तारकासुर के तीनों पुत्रों का विश्वास देव धर्म से उठ चुका है और अब कल विद्युन्माली विश्व विजय का यज्ञ करेगा और अब यही यज्ञ उसके विनाश का कारण बनेगा। धाव, विश्व विजय यज्ञ प्रारंभ किया जाए। भ्राता श्री, हमें ये यज्ञ तो उस वामन से कराना चाहिए था। वो भ्रमण के लिए गए हैं। विराजिए महाराज। ये क्या महाराज, आपने देवताओं का नैवेद्य नहीं बनवाया? आज से यज्ञ में केवल हमारे नाम की आहुति चढ़ेगी। नहीं, ये अनुचित है। सैनिकों, ये हमारा घोर अपमान है। देवता हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। जिन देवताओं से तुम रक्षा की आशा कर रहे हो वो कुछ नहीं कर सकते। समस्त सृष्टि अब मेरे अधीन होगी। आपने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है नारायण, इसीलिए कभी मेरी घोर तपस्या करने वाले भक्त अब अधर्म के मार्ग पर उतर आए हैं। ये तीनों भ्राता तो अत्यंत हिंसक होते जा रहे हैं। हिंसक पशु कुछ समय के लिए हिंसा न करे, किंतु जैसे ही उसे असुरक्षा होती है वो हिंसा किए बिना रह नहीं पाता। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये असुर अधर्म के मार्ग पर इतना आगे निकल चुके हैं कि अब
आपको इनके आतंक का अंत करना ही होगा। क्या महादेव स्वयं हमारा संहार करने आ रहे हैं? हाँ, यह सत्य है विदुन मालिक, किंतु यदि तुम्हें समय रहते इस सत्य का ज्ञान हो चुका होता तो आज यह सूचना मिलने पर तुम्हें इतना आश्चर्य ना होता। हाँ आचार्य, हमने अपनों की बात ना मानकर शिव की भक्ति की। हमारा घोर तप और वर्षों तक की गई साधना का महादेव ये फल दे रहे हैं। मैं आप सब से क्षमा का प्रार्थी हूं। यदि तुम्हें इस तथ्य का ज्ञान हो चुका है तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने पिता का प्रतिशोध पूर्ण करना होगा। महादेव के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय का भी अंत करना होगा। अवश्य आचार्य, अब पूरे ब्रह्मांड पर असुरों का राज्य होगा। स्वर्ग में स्थित स्वर्णपुरी, आसमान में स्थित रजतपुरी और भूलोक में स्थित लोहपुरी, ये तीनों राज्य एक दिशा में नहीं है प्रभु, और ये तीनों राज्यों पर एक ही तीर से निशाना साधना असंभव है महादेव, असंभव। महादेव इस असाध्य कार्य को अवश्य साधेंगे और आप स्वयं उसके साक्षी हैं। कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। प्रभु, पृथ्वी को भयमुक्त कर दीजिए, जाइए तारकासुर के तीनों पुत्रों का अपने हाथों से अंत कर दीजिए। अपने भक्तों का काल बनकर उनका वध करना इतना सरल नहीं है देवी। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ स्वामी, अपने पुत्र जैसे भक्तों का अंत करना सरल हो ही नहीं सकता, किंतु यदि वो आपकी शरण में आ जाए तो क्या तब भी उनका जीवित रहना असंभव है? असंभव। अब महादेव के समक्ष ये मस्तक कभी नहीं झुकेगा। वो समय जा चुका है जब तारकासुर पुत्र महादेव को अपना सर्वस्व मानकर धर्म पथ पर चलते थे। अब धर्म हमारे अनुसार चलेगा, और महादेव तुम्हें तो हमारी भक्ति और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दंड भुगतना होगा। महादेव की जय! महादेव की जय! महादेव की जय! हमें आशीष दीजिए ताश्री। विजय भव पौत्र, जाओ और जाकर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लो। जब रण में असुरों की विजय का शंखनाद होगा तभी मेरे पुत्र तारकासुर की आत्मा को शांति मिलेगी। जिन वृद्ध नेत्रों ने अपने प्रिय पुत्र की मृत देह देखी हो उसे महादेव पर विजय उत्सव देखने की प्रतीक्षा रहेगी। जाओ पुत्र, विजयी होकर आओ। हम महाबली तारकासुर के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध महादेव से लेकर ही लौटेंगे। Oh God.
क्या हुआ? भयभीत हो? कहीं मैंने तुम्हारी आशा तो नहीं तोड़ दी? तुमने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि तुम्हारा ये भक्त किसी दिन तुम्हें युद्ध के लिए ललकारेगा। हाँ, मैं भयभीत हूं क्योंकि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि धर्म पथ पर चलने वाला मेरा अनन्य भक्त विद्युन्माली इस प्रकार अपने धर्म को भूल जाएगा। भक्त, ये सुनकर ही आश्चर्य होता है कि तुमने कभी मुझे अपना भक्त माना था। हम असुर थे, इसलिए हम भ्राताओं की भक्ति को तुमने सदैव देवों की भक्ति से कम ही समझा और देवों का साथ दिया। तुम्हारा यहाँ आना ही ये सिद्ध करता है कि तुमने कभी हमें अपना भक्त समझा ही नहीं। यदि मैंने तुम्हें अपना भक्त नहीं समझा होता तो आज तुम्हारे शरीर के दो टुकड़े करने में मेरा मन इतना द्रवित नहीं होता। त्रिशूल तो ब्रह्मांड का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है। यदि त्रिशूल से इन दानवों का अंत नहीं हुआ तो इनका अंत होगा कैसे? होगा, अवश्य होगा। किंतु तारकासुर के तीनों पुत्रों का संहार इतना सरल नहीं है दाऊ। इनके अंत से पूर्व ब्रह्मांड की दशो दिशाएं इस क्रम में व्यवस्थित होंगी कि इन असुर भ्राताओं के तीनों राज्य एक क्रम में आ जाएंगे जो इस समय विपरीत दिशाओं में है। गर्जना का उत्तर हमारे शस्त्रों की टंकार देगी। अभी भी तुम्हारी मृत्यु में कुछ समय शेष है, चाहो तो तुम अपनी गति बदल सकते हो।
अधर्म का मार्ग छोड़ दो। प्रतीत होता है कि आपको अपनी पराजय का भय सता रहा है। युद्ध को बीच में रोकने की बातें कायर करते हैं। अधर्म ने तुम्हें उदंड बना दिया है। हम असुर हैं, जिसे तुम उदंडता कहते हो वो हमारा साहस है। युद्ध विराम के शंखनाद ने तुम्हें बचा लिया महादेव। हम युद्ध के नियमों का पालन करेंगे महादेव, इसी कारण आज तुम्हें जीवन दान देते हैं। तुम्हारा ज्ञान इस संध्या की कालिमा के साथ बढ़ता जा रहा है। अवश्य ही इस कालिमा के कारण तुम अपने काल को पहचानने में त्रुटि कर रहे हो। अभी तो इस युद्ध में मेरी भूमिका भी बाकी है। तुम्हारी भूमिका? हाँ दाऊ, इस युद्ध में मात्र मेरी भूमिका नहीं, आपकी भी भूमिका है। मुझे क्या करना होगा कान्हा? महादेव तो स्वयं समर्थ है, उन्हें हमारी क्या आवश्यकता? ये तारकासुर के पुत्रों का संहार ही नहीं दाऊ, अभी तो एक अनुष्ठान भी है जो हम देवों द्वारा सृष्टि के कल्याण के लिए किया गया है। महादेव, आज रणयुद्ध में आपने तारकासुर के पुत्रों का अंत क्यों नहीं किया? युद्ध नीति का पालन आवश्यक था देवराज इंद्र। मैं देव होने का कदापि कोई लाभ नहीं उठाना चाहता। आप मुझ पर विश्वास रखें, उचित समय आने पर उन तीनों असुरों का अंत मैं अपने हाथों से करूंगा। कल चैत्र की पूर्णिमा है और यदि कल तारकासुर के तीनों पुत्रों का वध नहीं हुआ तो आने वाले सहस्त्र वर्षों तक भी हम उन्हें नहीं मार पाएंगे। क्या हुआ वामन देव, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कहीं आपकी चिंता का कारण आपके आराध्य महादेव की पराजय तो नहीं? एक बार उनका अंत हो जाए फिर आपको मेरी ही आराधना करनी होगी। तुम तो बस अपनी चिंता करो विद्युन्माली, क्योंकि महादेव के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जिस महादेव को तुमने ललकारा है, काल उसके समक्ष नतमस्तक होता है, वो अजय है विद्युन्माली। तुम मेरा विरोध कर रहे हो वामन देव। Thank you.
दानव, दोनों के हाथों नारायण की मृत्यु संभव नहीं है। तुम नारायण हो? तुमने हमारे साथ छल किया नारायण। मैंने छल नहीं किया, अधर्म का मार्ग तुमने चुना। तुम्हारा चुनाव धर्म होता तो आज तुम इतने चिंतित नहीं होते। प्रणाम प्रभु। महादेव को मेरा सादर नमन। कृष्ण आप यहाँ? महादेव आप तो सब जानते हैं, परंतु इस युद्ध में मैं आपका मार्गदर्शन कृष्ण रूप में करूंगा। महादेव, आपको तारकासुर के पुत्र का अंत करने के लिए एक विशेष रथ पर आरूढ़ होना होगा। जब पंच महाभूतों के साथ पंच महादेवताओं के अंत से निर्मित होगा। किंतु कृष्ण, वो रथ है कहाँ? हे पृथ्वी देवी, आप प्रकट होइए। प्रणाम श्री वासुदेव हरि। कहिए क्या आज्ञा है? हे देवी, आप तो अचल हैं। आप स्थिर रहकर करोड़ों जीवों का भार वहन करने की क्षमता रखती हैं। महादेव के लिए निर्मित किए जा रहे रथ में यदि आपकी अवचलता का अंश होगा तो वो महादेव की इच्छा के बिना नहीं हिलाया जा सकेगा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कृष्ण। चंद्रदेव, आप प्रकट होइए। कृष्ण सहित सभी देवताओं को मेरा नमन। हे सूर्यदेव, आप प्रकट होइए। कृष्ण और समस्त देवताओं को मेरा नमन। सूर्यदेव और चंद्रदेव, आप दोनों निरंतर चलते रहते हैं। आप दोनों की गति तो अवाद्य है। और हम चाहते हैं कि महादेव के इस रथ के पहिए में आप दोनों की गति हो, जिससे वो बिना रुके निरंतर चलते रहें। अवश्य। मेरु पर्वत, आप प्रकट होइए। नमन देव। मेरु पर्वत, आप महादेव का धनुष बन जाइए। अब हमें ऐसा सक्षम सारथी चाहिए जो महादेव के इस रथ को नियंत्रित कर सके। ब्रह्मदेव, आपसे अनुरोध है कि आप महादेव के इस शक्तिशाली रथ के सारथी बन जाइए। अवश्य कृष्ण।
अब आपका रथ तैयार है महादेव, अब आप इस रथ पर रूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान कीजिए। हमारे तीनों राज्य की सुरक्षा और सघन कर दो, हमारे तीनों राज्य स्थिर रहने चाहिए। जो आज्ञा महाराज, हम तीनों राज्य को स्थिर नहीं होने देंगे। ये रथ तो महादेव का लगता है, हमसे युद्ध कर ये अघोरी महादेव भी युद्ध कौशल सीख गया है। महादेव, आज तुम्हारी मृत्यु तारकासुर पुत्रों के हाथों होगी। आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। आपको रजतपुरी और लोहपुरी को स्वर्णपुरी की रेखा मिलाकर खड़ा करना है। अवश्य कान्हा। क्या ये कार्य शेषनाग को ही सौंपना उचित होगा? कृष्ण, शेषनाग के रूप में पृथ्वी का भार संभालने वाले बलशाली योद्धा के सामर्थ्य पर मुझे किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। अब देखना यह है कि दाव ये कार्य किस प्रकार पूर्ण करते हैं। वासुकी, आज हमें तुम्हारी आवश्यकता है। भ्राता, शीघ्र आओ। इस समय महादेव असुरों से घिरे हुए हैं। भ्राता, मैं अपने नाथ के साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ भ्राता वासुकी, किंतु हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसे सिद्ध किए बिना इन असुरों का नाश संभव नहीं है। हमें इन तीनों के राज्यों को एक रेखा में लाना होगा। हमारे पास
समय बहुत अल्प है भ्राता। तारकासुर के पुत्रों ने महादेव का त्रिशूल उनसे छीन लिया है। महादेव पर तीनों प्रहार पर प्रहार किए जा रहे हैं। तीनों भ्राताओं की नगरी अब तक एक दिशा में नहीं आई। यदि पूर्णिमा की रात्रि समाप्त होने तक तारकासुर के पुत्रों का अंत नहीं हुआ तो वो सदैव के लिए अमर हो जाएंगे और तब हम सबकी समस्या और बढ़ जाएगी। सुखी, हमें अब अपना कार्य करना होगा। अवश्य भ्राता। तुम रजतपुरी की ओर नहीं बढ़ सकते। लौहपुरी से दूर चले जाओ वासुकी। ये दानव तो दुगनी गति से बढ़ते जा रहे हैं। राता विद्युन माली, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं?
हमारे राज्य एक दूरी पर एक दिशा में कैसे आ गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। किसने किया ये अनर्थ? वासुकी और शेषनाग ने तीनों राज्यों को एक दिशा में लाकर सराहनीय कार्य किया है। अब महादेव की विजय में कोई संशय नहीं है। पूर्णिमा की रात्रि समाप्त होने में अब कुछ ही क्षण शेष हैं। यदि इन क्षणों में हमने अपनी रक्षा कर ली तो हम सहस्त्र वर्षों के लिए अमर हो जाएंगे। किसी भी भांति हमें अपनी रक्षा करनी होगी। किंतु अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समाप्त होने वाली है महादेव, अब समय आ गया है। उठाइए धनुष और चढ़ाइए प्रत्यंचा। अधर्म का साम्राज्य आपके समक्ष है। महादेव को अपने लक्ष्य तक हम किसी भी प्रकार नहीं पहुंचने देंगे। अंत में आपने विधि के विधान के अनुसार अधर्म का नाश कर ही दिया महादेव, और आपने अपने भक्तों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया। आप धन्य हैं महादेव।